दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तोरी की बेल दिखाते हैं जो हमने बीज लगाए थे घर पर, और एक थैला लिया था। इस थैले में हमने कुछ खाद और मिट्टी डाली थी जो हमारा ऑर्गेनिक खाद गोबर से हम तैयार करते हैं। वो खाद लगभग साल 1.5 साल पुराना होता है और वो इस मिट्टी में मिलाकर बीज लगाए थे, तो बीज बहुत अच्छे उनका जर्मिनेशन हुआ। और ये देखिए, इसमें 4 बीज लगाए थे और एक बेल ये है और दूसरी ये है और तीसरी ये है और चौथी ये है। ये 4ों बीज अच्छी तरह से इसमें इनका जर्मिनेशन हुआ, अच्छा जाम हुआ, और उसके बाद ये बहुत ही इसका जो पत्ता है बिल्कुल साफ है और ये बेल भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अब हम इसको आज उठाकर लाए और इसको खेत में अपने बगीचे में इसको पानी में रखा, और अब ये पानी भी ले चुकी है। इस कट्टे का ये फायदा है, इसमें एक तो बाहर से कोई कीट पतंगा इसको दिक्कत नहीं देगा, और जैसे जैसे यह बड़ी होगी हम इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो उस साइड भी 2, 4, 10 दिन में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर यहीं पर इसका ठीक सिस्टम रहा तो फिर यहीं पर रखेंगे, इसके आसपास मिट्टी लगाएंगे, और ताकि इसको ज़्यादा पानी ना मिले, पूरा पूरा पानी मिले। और जैसे अब इसको हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे इस दीवार पर, और दीवार के ऊपर हमने रस्सी लगाई है, और ये रस्सी से होती हुई ये लगभग आगे जो हमने जाल बनाया है, पहले हमारी तोरी वहाँ पर जो लगी हुई है वहाँ पर इसको लेके जाएंगे। और मकसद ये है, अभी इस दीवार के ऊपर जो हमने रस्सी लगाई है इस पर नई बेल जाएगी, जब तक ये नई बेल चालू नहीं होती तब तक हम उस पुरानी से तोरी वगैरह लेते रहेंगे, और उसमें फूल भी आए हैं, उसमें तोरी 3-4 महीने से रेगुलर चल रही है, पर हम उसको जब ये अच्छे से बेल ग्रोथ करेगी और इस पर जब तोरी आएगी तो हम उसको उखाड़ देंगे, तो फिर ये नई आगे 2-3 महीने चलेगी। और जैसे कि हम इसको कोई भी घिया तोरी या कोई दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनकी पौध हम घर में तैयार करते हैं और खाद वगैरह डाल के हम अच्छे से केयर हो पाती है, तब जब ये कुछ 2 फुट के आसपास लगभग हो जाती है तो इसको हम खेत में ले आते हैं, और उसके बाद ये अच्छे से 10-20 दिन में ग्रोथ यहाँ पर अच्छे से करेगी, और जब ये अच्छे से ऊपर जाएगी तब भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आज अपने पूरे बगीचे को। ये नींबू भी दोबारा इसमें चालू हो चुका है, अभी कुछ कुछ नींबू कहीं कहीं पर आया है, और इसमें पूरा साल नींबू चलता है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद नया 1 महीने के बाद लगभग नया नींबू उसका फूल आना चालू हो जाता है, और ये हमारा नींबू है और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, कागजी नींबू इसको हम बोलते हैं। और हमने कुछ ये हमारा आम, बड़े ही अच्छे आम आए थे इस बार, इस पे है तो छोटा पर अब ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है और अगला सीजन इसका बहुत अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा आम और बड़ा ही, देखिए इसने जो नए पत्ते आए हैं ये सब ग्रोथ की है इसने। ये कुछ टाइम इसमें कोई कीड़ा वीड़ा आया था बीमारी, तो बारिश में फिर ये अच्छे से अपनी ग्रोथ दोबारा करता हुआ, और देखिए कितना कितना सुंदर आम है, और अब तो ये लगभग 6 फुट के आसपास होने वाला है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस आम की। और इसका आम भी बड़ा अच्छा आम आया था, मैंने इसका एक वीडियो डाला है, और अगले साल इस पे खूब आम आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी करेले की बेल है, इससे भी हम रेगुलर कुछ ना कुछ करेला लेते रहते हैं, और ये हमने मक्की के भी बीच बीच में कुछ लगाए हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर ही लेते हैं। ये भुट्टा आग में पकाकर इसको खाया जाएगा, और मक्की हमने काफ़ी लगाई थी, और ये हमारे अमरूद है, आपको दिखाते हैं आगे। अब इसमें सफाई भी करनी है, कुछ खुदाई चल रही है इसकी, पर कुछ दिनों के बाद इसमें सभी सब्जियां लगेंगी जो सर्दी के मौसम में
चालू होती हैं उनके लिए इसकी खुदाई चालू है, और अब इसको हम लगभग 10 या 15 दिन के अंदर तैयार करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसमें जो सर्दी का मौसम शुरू होगा उसके लिए हम जो भी वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स वगैरह लगाने हैं वो लगाएंगे। जैसे कि हमने ये 6 महीने पहले कड़ी पत्ता लगाया था, और ये कड़ी पत्ता भी देखिए अच्छे से ग्रोथ किया। जब लगाया था, मेरे पास एक वीडियो है वो मैं डालूँगा, मैंने डाल ली नहीं किसी कारण से, तब ये इतना छोटा था और इसने 6 महीने में अच्छी ग्रोथ की है, यहाँ तक कड़ी पत्ता आ चुका है, और इसकी अब हम अच्छे से केयर करेंगे। ये हमने कुछ लगाए थे पौधे नाशपाती वगैरह के, और अलग अलग किस्म की इसमें वैरायटियाँ लगी हैं जो अभी छोटे हैं कुछ पौधे, जब ये बड़े होंगे तो समय समय पर इनका जब भी फ्रूट आएगा वो आपको दिखाया जाएगा। और अब गर्मी की जो सब्जी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है लगभग, अब तो घिया तोरी बची है, और घिया तोरी का ये झाड़ है ये भी इसकी वजह से चल रही है। तो एक तो ये लगाया था हमने पीछे, इसमें भी कुछ 3-4 पौधे लगाए थे, अब इनकी ग्रोथ अच्छी है, और इसमें कुछ बैंगन भी लगाए, ये बैंगन के हैं, ये तितलियां, इसमें तितलियां भी घूम रही हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। और बैंगन के बाद आपको दिखाते हैं कुछ ये लाल मिर्च और हरी मिर्च का, ये भी अच्छा अच्छी ग्रोथ हो चुकी है इसकी भी, ये किन्नू का है, ये तोरी आई हुई है, देखिए तोरी कितनी अच्छी तोरी है, तोरी का साइज बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें तोरी बिल्कुल ही प्योर है, और जाल पर बहुत अच्छी चलती है ये घिया, और कुछ घिया इधर भी आई है। अब देखिए कितनी मोटी हो चुकी है, एक डंडे के बराबर इतनी मोटी, ये घिया की बेल है, देखिए कितनी स्वस्थ है और कितनी मोटी है, शायद ही देखी होगी, और देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें मजबूती बहुत है। और ये है इसकी बिल्कुल पतली जो शुरू में चलती है, उसके बाद जब इसको 3-4 महीने हो जाते हैं जो शुरू वाली बेल होती है वह बहुत ही मोटी हो जाती है, कितनी मोटी बेल है, काफ़ी दूर तक है, नीचे से आई है, और ये बहुत ही इसका जो जहाँ से हमने लगाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये घिया की बेल है, देखिए कभी ऐसी बेल, ये इतनी मजबूत है भी, अभी इसका चाहे इसको कितने लंबे टाइम चलाओ ये चलती रहेगी, ये यहाँ से ग्रोथ करती हुई जब 4-5 महीने पहले हमने जब ये लगाई तब बहुत पतली थी, आज इसका साइज, इसकी जो ग्रोथ है और जो ऑर्गेनिक के कारण हो पाती है बहुत ही मजबूत होती है, और ये आगे इसका जाल बन चुका है, ये बहुत मोटी बेल बन चुकी है, कुछ ना कुछ दिखाएंगे, जैसे हमने बुट्टे लगाए थे, बुट्टे भी हैं इसमें साथ साथ बीच में, कुछ बुट्टे हमने इससे हार्वेस्ट किए थे और कुछ अब करेंगे आगे जहाँ जहाँ पर भी हमारे बुट्टे हैं, और इसको भी हम हार्वेस्ट करते हैं, ये 2 बुट्टे हो चुके हैं, और साथ ही अगला वीडियो भी हम जल्द ही किसी ना किसी वेजिटेबल पे बनाएंगे और वो जिस डालेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो चुके, और आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ये तो है, आपको घास निकालना पड़ता है खुद, और इसकी हम सफाई करेंगे, जब सफाई करेंगे उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये मौसम सावन के बाद घास बहुत हो जाता है, बारिश होती रहती है, तो अब हमने इसकी खुदाई चालू कर दी है, और इस खुदाई के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स लगाएंगे,
और जब हम वेजिटेबल्स लगाएंगे, सारी वेजिटेबल्स आपको बारी बारी हर वीडियो में दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि आज हमने आपको शुरू में तोरी का दिखाया, और वो तोरी हमने रखी है, तोरी की बेल। कुछ हम नई बेल्स और भी लाएंगे जो हमने घर पर तैयार की हैं, वो जो भी लाएंगे उसका वीडियो बीच बीच में डालेंगे। ये हमने थैले में तैयार की थी घर, और कितनी अच्छी ग्रोथ है, दो दो फुट की हो चुकी हैं। और अब हम इनको इस जाल पे लेकर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता की सब्जी बनाते